जम्मू के रिहाड़ी कॉलोनी स्थित मयूर गिफ्ट एंड कॉस्मेटिक्स शॉप द्वारा आज एक नई शुरुआत की गई। इस नए सफर की शुरुआत आज यानी रविवार को दुकान का उद्घाटन कर की गई। दुकान के संचालक राजेश गुप्ता की माताजी ने दुकान का उद्घाटन रिबन काट कर किया और उन्होंने अपने बेटे के अच्छे भविष्य की कामना भी की। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन है, बच्चों ने नया काम शुरू किया है। भगवान जी की बड़ी याद करें, उनको सुख दे रहे और सुख संपत्ति दे रहे। उद्घाटन के बाद दुकान के पहले दिन की शुरुआत कन्या पूजन कर और कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त कर की गई। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान 19 अप्रैल को शॉर्ट सर्किट होने से जम्मू की जानी मानी दुकान मयूर गिफ्ट एंड कॉस्मेटिक शॉप में भीषण आग लग गई, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया था। आज लगभग 3 महीने बाद दुकान का पुनः उद्घाटन होने पर ग्राहकों और इलाके के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कहा कि हमने इन 3 महीनों में अपनी पसंदीदा दुकान को सबसे ज्यादा याद किया। इस मौके पर ग्राहकों ने कहा कि जब 55 दिन के लॉकडाउन के बाद जम्मू में सभी दुकानें खुली थी तो हम अपनी पसंदीदा दुकान को ना पाकर काफी निराश हुए थे, लेकिन आज इतने समय बाद मयूर गिफ्ट हाउस को फिर से चहकता देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस मौके पर बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर दोस्तों, रिश्तेदारों और रिहाड़ी कॉलोनी के निवासियों ने राजेश गुप्ता को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके मंगल भविष्य की कामना की। दुकान के इस पुनः उद्घाटन के खुशी के मौके पर सगे संबंधियों के साथ साथ रिहाड़ी कॉलोनी के निवासी भी मौजूद थे। इस मौके पर जब हमने दुकान के संचालक राजेश गुप्ता से बात कर उनका पिछले 3 महीने का सफर जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले हुए उस भयंकर हादसे को वो फिर से याद नहीं करना चाहते। भगवान की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से आज ये मौका आया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। नाउ वी आर हैप्पी कि शॉप फिर से खुल गई है। हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारी शॉप जो ब्रांडेड जो सारा प्रोडक्ट है हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। 3 महीने हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नाउ इट्स ओके, इट्स गुड इनफ। ऑल द बेस्ट टू देम। मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या लूं, अब मैंने सेलेक्ट किया कि डॉल सेट। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ईश्वर के आशीर्वाद से और राजेश जी के अथक प्रयास से आज इनके व्यापार की नई शुरुआत होने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहेगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर का आशीर्वाद इन पर बना रहे ताकि ये अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करें। इस लॉकडाउन के दौरान 19 अप्रैल को म्यूर गिफ्ट हाउस एक बहुत अच्छी शॉप है हमारी, कॉस्मेटिक की और ग्रोसरीज आइटम्स की। इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, वो दुकान आज दोबारा से रीस्टार्ट हुई है और उनकी माता जी ने उनको रिबन काटा और वो रीस्टार्ट किया है। और ये काफ़ी अच्छे मेहनती लड़के थे हमारे राजू जी, और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जिस दुकान जैसे पहले तरक्की करती थी, भगवान करे कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी दोबारा से तरक्की करे। आज मैं यहाँ मयूर गिफ्ट हाउस में आई हूँ, इधर बहुत सारे टॉयज हैं, मेरा तो मन कर रहा था सारे टॉयज ले लूं और मैंने बार्बी डॉल ली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो दुकान थी ये ड्यूरिंग COVID-19 जो लॉकडाउन चल रहा था उसके दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी और ये दुकान पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आज मुबारकबाद दे रहा हूँ इनको कि आज दोबारा उन्होंने 2-3 महीने के अंदर ही दुकान को तैयार किया हमारे राजू भैया जी ने, और हिम्मत नहीं हारी। अदरवाइज आम जनता हिम्मत हार जाती है, लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी
और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इसको दिन दुगनी रात दुगनी इसको तरक्की देना, और लोगों से अपील करता हूं खासकर इसकी दुकान पर ज्यादा से ज्यादा आए ताकि इसको महसूस ना हो कि जो बेचारे के साथ हादसा हुआ ताकि ये भूल जाए इसको। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे यहाँ मयूर गिफ्ट हाउस की इनॉग्रेशन हुई है, इस शुभ अवसर पर मैं उनको और उनके परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। भगवान से आशा करता हूँ कि उनका काम दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और भगवान पर अपनी कृपा बनाए रखे। हेलो, मेरा नाम विशांशु बडेरा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे मामू की शॉप पे एक इंसिडेंट हुआ था, आज रीओपनिंग हमने की है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी शॉप पे आइए और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू।